हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैंने दो आर्ट फॉर्म ट्राई की हैं जिनको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर MDF बोर्ड ले लिया है। आप इसकी जगह पे यहाँ पे कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर एक फ्लावर ड्रॉ कर लिया था पेंसिल की हेल्प से। फिर मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाया और एक कोन में फिल कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर फ्लावर बनाकर रेडी किया था, उसके ऊपर मैं कोन वर्क कर दूंगी। ये कोन बनाना बहुत ही आसान है। इसमें आप सिर्फ वॉल पुट्टी और ग्लू का पेस्ट बनाकर एक कोन के अंदर फिल करके आप इस कोन को इजीली बना सकते हैं। और इसको आप अपनी कलर चॉइस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। इसमें बस कलर ऐड करना होगा आपको और आपको टेक्सचर पेस्ट मिल जाएगा। अगर आपको ये पेस्ट बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कैसे बनाया है। और इसी तरह से बातें करते करते मैंने ये पूरा ही फ्लावर रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा और इफ़ेक्ट देने के लिए एक वेट ब्रश ले ली है और कुछ इस तरह से पेटल्स बना ली हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये सूखने के बाद बहुत ही रियलिस्टिक लुक देती है। और कलर चॉइस भी आप इस पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद मैंने किया है यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर। इसकी जगह पे आप चॉक पेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कलर के अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद लिया है मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटालिक कलर। एक्चुअली मुझे यहाँ पर गोल्डन करना था बट मेरा गोल्डन कलर खत्म हो चुका था, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी मेटालिक कलर करेंगे वो ही सुंदर लगेगा। आप यहाँ पर फिंगर की हेल्प से भी कलर कर सकते हैं। अगर आप मेटालिक कलर कर रहे हैं तो फिंगर की हेल्प से तो बहुत ही अच्छा कलर होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेटालिक कलर भी ड्राई हो चुका है। और अब किया है मैंने वार्निश का एक कोट और इसको ड्राई हो जाने के बाद मैं लगाऊंगी इस पे मिरर्स। अब यहाँ पर लिए हैं मैंने राउंड शेप के मिरर और थोड़े बड़े साइज के लिए हैं और इसकी बाउंड्री पे कुछ इस तरह से लगा दिए हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट साइज के या शेप के मिरर्स भी यूज कर सकते हैं या गोल्डन कलर। अगर आप गोल्डन कलर कर रहे हैं फ्लावर में तो आप गोल्डन कलर के मिरर अगर बाउंड्री में लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मिरर लगाने के बाद यहाँ पर हमारा ये सुंदर सा वॉल हैंगिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर MDF बोर्ड का ही यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ टिश्यू पेपर्स जो कि इकट्ठे हो ही जाते हैं, हर किसी के पास होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इनको मैंने छोटे छोटे पीसेज में कुछ इस तरह से तोड़ लिया है और इसको पानी में डिप करके रख दिया है। इसको एक घंटे के बाद हम थोड़ा सा स्क्वीज करके ले लेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा हमें पानी इसका निकालना नहीं है। और इसी के साथ साथ मैंने MDF के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लिया है जो मुझे चाहिए था। छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, डिफिकल्ट नहीं बनाया। अब यहाँ पर जो मैंने टिश्यू पेपर लिया था उसको छोटा छोटा और तोड़ लेंगे और इसमें डालेंगे ग्लू और डालेंगे कलर। यहाँ पर जो भी कलर चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ये पेस्ट बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस आपको जो भी पेस्ट चाहिए इंस्टेंटली आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने दूसरे वाले पेस्ट में ग्लू पहले ही डाल दिया था तो वो ग्लू सूख चुका था, फिर मैंने इसमें कलर डाला तो ये इस MDF बोर्ड के ऊपर चिपक नहीं रहा था। और मैंने ये ऑरेंज कलर का जो पेस्ट बनाया था ये ठीक था क्योंकि मैंने इसको साथ के साथ यूज़ किया था, ये अच्छे से चिपक रहा था। तो ऐसे ही बातें करते करते मेरे ऑरेंज वाले फ्लावर्स रेडी हो गए हैं। इसके बीच में मैंने येलो वाला पेस्ट लगा दिया है और अब जो बेस कलर है वो मुझे डार्क कलर चाहिए था, इसीलिए मैंने ब्लू कलर का पेस्ट बनाया। और इसी में मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये चिपक नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पर पहले ग्लू लगाया और फिर इस पेस्ट को चिपकाया है।
इसी के साथ साथ हमारा ये वॉल हैंगिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इनको दोनों को ही राउंड बनाया है, आप चाहें तो किसी भी शेप का बना सकते हैं। और ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो।